नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन 3 से स्टार्ट है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिट थर्ड पॉइंट सी विच इज लाइज बिटवीन ए एंड बी। देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, मैं यहाँ बनाता हूँ। जैसे देखिए, जैसे ये दे दिया ए, ये दे दिया बी, ये कहता है कि यहाँ पे पॉइंट क्या है सी। फर्स्ट पोस्टुलेट ये है। सेकंड पढ़िए, देर एग्जिट एटलीस्ट थ्री पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। दूसरे में क्या है कि है ना, एक लाइन है जैसे ए बी कह दिया कि एक पॉइंट और है सी, वो तीनों क्या है एक लाइन पे नहीं है। अब ये कहता है डू दिज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, आर दिज पोस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। देखो सबसे पहले क्या पूछा है, डू दिज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। यस, इसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो अनडिफाइंड टर्म है। कैसे, जैसे पॉइंट के बारे में नहीं बता रखा है, लाइन के बारे में नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देख लिया, दो तो आपने ये देख लिया, पॉइंट और लाइन, इनके बारे में नहीं बता रखा है, तो इसलिए ये क्या है अनडिफाइंड। क्या है अनडिफाइंड। दूसरे में क्या कहता है, आर दिज पोस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट। बिल्कुल, क्या ये कंसिस्टेंट है, बिल्कुल है। देखो मैंने लिख रखा है दी गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू टू डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि ये अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, ये क्या है अलग अलग सिचुएशन है और ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो इसलिए ये क्या है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, संगत, यानी कि सही है। देखो अब थर्ड वन पे क्या कहता है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि पता गया है यूक्लिड पोस्टुलेट किस तरीके से, देख जैसे क्या कहता है यूक्लिड पोस्टुलेट में क्या बोला गया है कि आपके, आपने मैं पांच पोस्टुलेट बता चुका हूँ कि इस तरीके से दो पॉइंट होंगे तो एक लाइन होगी, उसमें से एक पास करेगी, वो क्या होंगे एक लाइन पे मिलेंगे। और इसने किस तरीके से कहा, देखो यहाँ पे इसने नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, ये एक्जियम को फॉलो करते हैं बट पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। देखो नो दिस पोस्टुलेट डोंट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, दे फॉलो एक्जियम, एक्जियम को फॉलो करते हैं। एक्जियम को फॉलो कैसे, कि केवल दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है, सिर्फ दो पॉइंट से एक लाइन गुजर सकती है। ठीक है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस पॉइंट देम। मतलब देखो ये क्या है, एक्जियम को फॉलो करती है। पोस्टुलेट में क्या गया गया कि देखो इसमें ये क्या कहता है कि दो पॉइंट हैं और तीसरा पॉइंट उनके बीच में है, बट यूक्लिड जो एक्जियम था उसमें क्या था कि सिर्फ दो पॉइंट से ना एक यूनिक लाइन पास हो सकती है, तो इसका मतलब ये एक्जियम को फॉलो करता है बट डोंट फॉलो पोस्टुलेट। अब मैं आपको बताता हूँ एक्जियम और पोस्टुलेट क्या होता है। एक्जियम होता है जो अप्लीकेबल होता है मैथ के सभी पार्ट में, जैसे अलजेब्रा हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सभी में होता है। ठीक है, बट जो पोस्टुलेट होता ना ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में अप्लीकेबल होता है। कहाँ अप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में। तो ये डिफरेंस होता है एग्जियम और पोस्टुलेट में। अब क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू 1/2 AB, एक्सप्लेन बाई ड्राइविंग द फिगर। देखो किस तरीके से करते हैं, आपके को क्या आगे दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर चार ये लाइन दे रखी है, ठीक है, जैसे ए दे रखी है बी दे रखी है। अब ये क्या कहता है कि सी पॉइंट है कोई यहीं पे, मान के चलो यहाँ पे है। ठीक है, तो आप लिखोगे गिवन, गिवन में क्या है ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब टू प्रूव, प्रूव क्या करना आपने, आपने प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूव करना आपने। ठीक है, ये प्रूव करना आपने और ये आपको दे रखा है। देखो फ्रॉम वन ए सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है। देखो एक बार मैं इसको करके दिखाता हूँ, इस टू को उस साइड लेके जाऊं तो मेरा ये क्या हो जाएगा, टू ए सी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा।
ठीक है, मतलब मैंने ये बनाना है, फिर टू को नीचे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे डबल एसी बनाने के लिए क्या करूँगा, एडिंग एसी बोथ साइड। एडिंग एसी बोथ साइड, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन क्या है, देखो इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल बोथ साइड, यानी कि दो इक्वल है तो इक्वल जोड़ोगे तो वो बराबर रहेंगे। ठीक है, एसी प्लस एसी इज इक्वल टू बीसी प्लस एसी बाय यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड जियोमेट्री क्या है, यूक्लिड के द्वारा अगर इक्वल है ना तो उनमें इक्वल जोड़ोगे तो वो इक्वल ही रहेंगे, क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, डबल ए सी बी सी प्लस ए सी कितना हुआ, देखो बी सी प्लस ए सी, देखो बी सी प्लस ए सी कंप्लीट ए बी हो गया। अब इसमें क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हेंस प्रूव्ड। ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन फिफ्थ पे आइए, फिफ्थ क्वेश्चन। इन क्वेश्चन फोर पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यानी कि क्या है इस क्वेश्चन में, हमने क्या सिद्ध करना है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन डिफाइन करता हूँ पहले एक बार, जैसे कि मैं यहाँ लेता हूँ, मैंने ये ले लिया रेखाखंड ए बी, ठीक है, ये सी क्या है, मिड पॉइंट, ये सी मिड पॉइंट है। तो ये पता क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होगा, एक यूनिक पॉइंट, एक पॉइंट होगा मिड पॉइंट, क्या होगा, एक होगा। ठीक है, इस एक को यूनिक को सिद्ध करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, एक दूसरा मिड पॉइंट और मान लेते हैं। ठीक है, हमारे को गिवन में क्या है, गिवन में हमारे को क्या है कि सी इज मिड पॉइंट। ठीक है, ए बी मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट इट पॉसिबल, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कि क्या है, डी मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, ये मान लिया भाई हमने। ठीक, हम प्रूव क्या करेंगे, हम यूनिक प्रूव करना है, यूनिक मींस प्रूव करना है, तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है सी इज इक्वल टू डी। क्या प्रूव करना है, सी इज इक्वल टू डी। तो देखिए प्रूव कैसे करेंगे, सिंस सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। अगर सी ए बी का मिड पॉइंट तो क्या होगा, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, क्या कर चुके हैं, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये अभी पढ़ चुके हैं हम। अगर सी मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, ए सी क्या होगा, ए बी का हाफ होगा, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में अभी। ऑल्सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी भी क्या है, मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट होगा तो हम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे इसको लिखा है, हम क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू वन बाई टू ऑफ ए बी, इसको नाम दे दिया टू। अब एक बात देखो, इसके बराबर ए सी और इसके बराबर ए डी है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू ए डी, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि बाय यूक्लिड डिवीजन, सॉरी यूक्लिड ज्योमेट्री, कैसे, क्योंकि यूक्लिड ने क्या कहा, अगर ये इसके बराबर, ये इफ इक्वल आर इक्वल, ठीक है, इफ इक्वल आर इक्वल टू वन सेम थिंग, इफ इक्वल आर इक्वल टू सेम थिंग देन दैट आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, वन अनदर, वो भी क्या होंगे, अगर देखो ये इसके बराबर ये इसके, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ए सी और ए डी डिस्टेंस, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखो इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस बराबर है, कब पॉसिबल होगा, देखो ये तो फिक्स है, जब सी और डी क्या होंगे, कोइंसाइड। दिस इंप्लाइज सी और डी क्या है, दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू ए डी आ गया, दिस इंप्लाइज सी इज कोइंसाइड, सी इज कोइंसाइड, सी इज
क्वाइनसाइड, सी क्वाइनसाइड है, क्वाइनसाइड का मतलब क्या है, सी इज इक्वल टू डी, सी इज इक्वल टू डी, ठीक है, सी इज इक्वल टू डी, हमने ये प्रूव करना था। अब नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट सिक्स सम क्या है, देखो इन फिगर 5.10 इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, देखो ए सी किसके बराबर दे रखा है, बी डी के, प्रूव ये करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। फिगर में देखो किस तरीके से हमने क्वेश्चन सिक्स ले लिया, हमारे को क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक रेखाखंड, ठीक है, ये दे दिया, क्या दे रखा है ए बी सी डी, चार पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे जैसे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, डी हो गया। हमारे को गिवन में क्या है, गिवन में है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन में, ठीक है। हमने टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, देखो हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमने प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब एक बात सुनिए, फ्रॉम वन कैसे करेंगे इसको, फ्रॉम वन ए सी इज इक्वल टू बी डी दे रखा है, देखो ए सी है ना पूरे इसके बराबर, देखो इतना इतने के बराबर, तो बी सी दोनों में आ रहा है, ठीक है, बी सी के कारण दिक्कत हो रही है, मैं क्या लिख दूंगा, सबट्रैक्टेड, सबट्रैक्टिंग बी सी बोथ साइड, सबट्रैक्टिंग सबट्रैक्टेड बी सी बोथ साइड, ठीक है। अब ये इसने बोला है यूक्लिड ने, क्यों, क्योंकि बाई यूक्लिड, यूक्लिड यूक्लिड ज्योमेट्री क्या बोला है कि अगर इक्वल है ना तो इक्वल को बोथ साइड माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे देखो ए सी माइनस बी सी एंड बी डी माइनस बी सी, अब ध्यान से देखो इस सी में से इतना बी सी गया, इसमें से ये गया तो कितना बच गया, देखो इस पूरे में से ये इतना गया तो क्या बच गया, ए बी बच गया। अब पूरे बी डी में से इतना गया, देखो इस पूरे में से इतना गया तो कितना बच गया, इतना बच गया, यानी कि सी डी बच गया। हैंस प्रूव्ड, आपने प्रूव भी तो यही करना था, ठीक है, प्रूव भी तो आपने यही करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे मैं, देखो ए सी माइनस बी सी करेंगे तो क्या बचा, ए बी, और जब बी डी में से बी सी घटा दिया तो क्या बचा, सी डी। हैंस प्रूव्ड, क्योंकि आपने प्रूव भी यही करना था। अब क्वेश्चन सेवन्थ पे आइए, क्वेश्चन सेवन्थ क्या है, देखो वाई इज एक्सियम फाइव इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। देखो अब आप पढ़ चुके हैं जो एक्सियम फाइव है, पहले तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एक्सियम फाइव क्या है, होल इज ग्रेटर, होल इज ग्रेटर देन दैट पार्ट, देन दैट पार्ट, ठीक है, दैट पार्ट, यानी कि जो बड़ा है ना उसके पार्ट से क्या है, बड़ा होता है, जो होल होता है, जो संपूर्ण होता है। जैसे मैंने मान के चलिए ये कह दिया, मैंने ए कह दिया, ए प्लस बी प्लस सी, ये कह दिया, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन सेवन क्या है कि जो फिफ्थ एक्जियम है ना वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि उसने क्या बोला, फिफ्थ एक्जियम क्या है, होल इज ग्रेटर देन दैट पार्ट, उसके पार्ट से है ना जो होल वो बड़ा होता है, ठीक है। अगर बड़ा होता, देखो ए है, ए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, ए अगर बी ए प्लस बी प्लस सी है तो ए क्या होगा, ए से ही बड़ा होगा, ए क्या है, बी से ही बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये तो इन तीनों का जोड़ और ये एक एक पार्ट है। और एग्जाम्पल ले ले देते हैं, जैसे मैंने कह दिया ये मैंने एसिया कह दिया, ठीक है, ये एसिया हो गया, और एसिया ये कंप्लीट, इसमें बीच में एक इंडिया डिस्ट्रिक्ट, वो सॉरी इंडिया कंट्री है, ठीक है, इंडिया कंट्री है तो एसिया तो बड़ा हो गया। अगर एक बात आइए, जब एशिया को और मैं इंडिया को कंपेयर करूँगा तो बड़ा कौन होगा, इंडिया होगा, क्यों, सॉरी एशिया होगा, क्यों,
क्योंकि एशिया इंडिया तो है ना इसका एक पार्ट है, क्या है, एक पार्ट, तो इसलिए ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो होल है ना वो पार्ट से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।